शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ, कहीं मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक, आपको यही मिल जाएंगे। राज्यपाल महोदय ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है। मैं हूँ सानिया एदीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी महाराज पर टिप्पणी कर विवादों में आ गए हैं। अब इसी मसले पर शिवसेना के संजय राउत ने उन्हें हटाने तक की मांग कर दी है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने शिंदे से पूछा कि क्या उनके पास स्वाभिमान है या नहीं। इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने एक वर्ष में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं, इसके बावजूद भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी थी। क्या ये भाजपा का आधिकारिक रुख है? सुनिए इस पूरे मामले में संजय राउत ने क्या कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई आपसे कहे कि हुई जोर आइकन, हुई जोर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक, आपको यही मिल जाएंगे। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है, राज्यपाल महोदय ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। भारत के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं, और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब कहाँ गया आपका स्वाभिमान? अब कहां गया आपका स्वाभिमान? शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी कर रही है खुलेआम। हाँ, इस्तीफा दीजिए आप, ऐसे सरकार में आप क्यों रहते हो? इस्तीफा दीजिए। आपको सचमुच शिवाजी महाराज के बारे में स्वाभिमान की आपको इतनी भी जरा ताहे है मन में, तो बैठे क्यों हो सरकार? वीर सावरकर के अपमान के बाद आपके लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर उतर कर राहुल गांधी को जूते मार रहे हैं। आप जूते कहाँ गए हो? किसको जूते मारेंगे आप? वीर सावरकर असे एकमेव महापुरुष होते ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती लिहिली। त्या काळात शिवाजी महाराज हे त्यांचे प्रेरणास्थान होते, गुरु होते, आणि अशा शिवाजी महाराजांचा सुद्धा अपमान आपण सहन करताय? आपल्याला सावरकरांवर बोलण्याचा सुद्धा हक्क नाही आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं इथे बोलण्याचा अधिकार नाही। मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यात आधी भारतीय जनता पक्षाचा निषेध केला पाहिजे, धिक्कार केला पाहिजे आणि राज्यपालांना हटवण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून अधिकृतपणे यायला पाहिजे। नाहीतर जोडे काय असतात आणि जोडे कसे मारले जातात हे शिवसेना दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। जय महाराष्ट्र।